हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आरके जी के क्रेजी ट्रिक पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ग्रुप डी के सेकंड शिफ्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो आज 17 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं ग्रुप डी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। और फर्स्ट पारी का पेपर मैंने गेट दिया है दोस्तों, वो भी जाकर आप देख सकते हो दोस्तों। अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है। ऑप्शन ए कैरोटीन, ऑप्शन बी कैसिन, ऑप्शन सी लेसिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाय के दूध में पीलापन दोस्तों कैरोटीन के कारण रहता है दोस्तों। दोस्तों, ऑप्शन का मुझे क्लियर नहीं मालूम है, ऑप्शन मैं बनाया हूँ, लेकिन क्वेश्चन कन्फर्म यही आया है दोस्तों। तो ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए कोल्फ ने, ऑप्शन बी ओपेरिन ने, ऑप्शन सी फाइटोकॉम ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कोल्फ के द्वारा डायलिसिस मशीन का आविष्कार किया गया था। ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। ये साइंस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए 1980 में, ऑप्शन बी 1973 में, ऑप्शन सी 1982 में, ऑप्शन डी 1985 में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1973 में विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना की गई थी। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों 1973 में वन्य जीव की स्थापना की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 20 अप्रैल को, ऑप्शन बी 30 जनवरी, ऑप्शन सी 20 मार्च, ऑप्शन डी 20 अगस्त को। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 25 अप्रैल। 20 की जगह दोस्तों 25 अप्रैल कर दो। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है 25। ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है। ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी स्कर्वी रोग, ऑप्शन सी रिक्रेट, ऑप्शन डी टीबी। तो दोस्तों बताओ, अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कैंसर रोग होता है दोस्तों। ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। और आज ये 17 तारीख के सेकंड शिफ्ट में ग्रुप डी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। और फर्स्ट पारी का मैंने वीडियो बनाकर गेर दिया दोस्तों, आप जाके देख सकते हो दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन था। ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी आसफ अली, ऑप्शन सी जॉन मथाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री दोस्तों आसफ अली था। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों, आसफ अली दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है। यह दोस्तों आज सेकंड शिफ्ट में भूगोल का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ऑप्शन ए 15 डिग्री देशांतर, ऑप्शन बी 20 डिग्री देशांतर, ऑप्शन सी 25 डिग्री देशांतर, ऑप्शन डी 12 डिग्री देशांतर। तो पृथ्वी 1 घंटे में दोस्तों 15 डिग्री देशांतर घूमती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पवित्र भूमि किस देश को कहा जाता है। ऑप्शन ए आइसलैंड को, ऑप्शन बी जेरूसलम को, ऑप्शन सी आयरलैंड को, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जेरूसलम। जेरूसलम को पवित्र भूमि कहा जाता है दोस्तों। और ये किस देश की राजधानी है दोस्तों, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओ दोस्तों। जेरूसलम किस देश की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 50%। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, मानव शरीर में 80% जल की मात्रा होती है दोस्तों। तो इसका सी राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोमीटर से, ऑप्शन बी मैनोमीटर से, ऑप्शन सी बेरोमीटर से, ऑप्शन डी उपयुक्त ए और बी दोनों से। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, बेरोमीटर से वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है दोस्तों। तो सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। ये आज हम 17 तारीख के सेकंड शिफ्ट के ग्रुप डी के
क्वेश्चन ऊपर डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें सभी क्वेश्चन है मिक्स में दोस्तों, साइंस भी है और एसएसटी के क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन का आप आंसर बताओ दोस्तों, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। आज ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों सेकंड शिफ्ट में, तो इसका आंसर आप लोग बताओ दोस्तों और कमेंट में इसका आंसर लिख के भेजो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अकबर के नवरत्न शामिल नहीं है। ऑप्शन ए तानसेन, ऑप्शन बी मान सिंह, ऑप्शन सी भगवान दास, ऑप्शन डी अब्दुल फजल। तो दोस्तों आज ये 17 तारीख के सेकंड शिफ्ट में इतिहास का क्वेश्चन आया है कि अकबर के नवरत्न शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भगवान दास है इसका, सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। तानसेन, मान सिंह और अब्दुल फजल ये अकबर के नवरत्न में शामिल है दोस्तों, लेकिन भगवान दास अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। ऑप्शन ए बेरी बेरी, ऑप्शन बी रतौंधी रोग, ऑप्शन सी बाल सफेद होना, ऑप्शन डी एनीमिया। तो दोस्तों मैं आपको वापस कह रहा हूं कि ऑप्शन का मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्वेश्चन यही आया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है रतौंधी रोग, विटामिन ए की कमी से होता है दोस्तों, तो बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो ये आज 17 तारीख के सेकंड शिफ्ट के ग्रुप डी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए दोस्तों, जो मैं आपको बता दिया, और फर्स्ट पारी का पेपर मैंने घेर दिया है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा दोस्तों, तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करो, और मैं आपको 18 तारीख के भी फर्स्ट पारी के क्वेश्चन लेके आऊंगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।